नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और बात चल रही है भागीदारी अधिनियम की। हम लोगों ने भागीदारी अधिनियम में परिभाषाओं को देखा, उसके बाद हमने भागीदारी की जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बारे में जाना और साथ ही साथ हमने इच्छाधीन भागीदारी, पार्टनरशिप एक्ट बिल और पैक्ट पार्टनरशिप के बारे में जान चुके हैं। अब एक और अहम टॉपिक है जो है क्या, फर्म का विघटन। फर्म का विघटन क्या कहलाएगा, इसके लिए हमें इस भारतीय भागीदारी अधिनियम के अध्याय संख्या 6 में झांकना होगा। अध्याय संख्या 6 जो कि धारा 39 से लेकर धारा 55 तक उसमें धाराएं दी गई हैं, सेक्शन 39 to 55। उसमें तमाम धाराओं में अगर हम देखा जाए तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे एक कुछ धाराओं की, धारा 39 से लेकर धारा 44 तक की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अहम है, ये मोड ऑफ आपका जो विघटन का तरीके जो है, विघटन के प्रकार हैं, वो उनके बारे में बात करता है और विघटन की परिभाषा। सबसे पहले धारा 39 क्या कहती है, अध्याय संख्या 6 की धारा जो पहली है, धारा 39 यानी सेक्शन 39, वो कहती है कि फर्म का विघटन क्या कहलाएगा, उसकी परिभाषा की बात करते हैं कि फर्म का विघटन क्या है, क्या कहलाएगा फर्म का विघटन। तो उन्होंने बोला है कि फर्म का विघटन में सीधी सी एक लाइन की परिभाषा, वन लाइनर आपकी डेफिनेशन है कि भागीदारों के, जितने भी फर्म के भागीदार हैं, उनके मध्य भागीदारी का विघटन ही फर्म का विघटन कहलाता है। सीधी सी बात है, भागीदारी का विघटन ही फर्म का विघटन कहलाता है, यह धारा 39 यानी सेक्शन 39 कहती है। आगे बढ़ते हैं, धारा 40 से लेकर धारा 44 तक की जो धाराएं हैं, वो असल में एक एक करके अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थितियों में फर्म के विघटन होने के तरीके बताती है, फर्म के विघटन होने के परिस्थितियां बताती है, किन परिस्थितियों में वो फर्म विघटित हो जाएगी, उनके हम क्रमबद्ध तरीके से भी चर्चा करते हैं, फिर उनको डिटेल हम बाद में करते हैं। सबसे पहले धारा 40 जो है वो कहती है करार द्वारा, एग्रीमेंट द्वारा फर्म का विघटन किया जाना, धारा 40। धारा 41 वो कहती है अनिवार्यतः, कंपल्सरी रिजोल्यूशन, अनिवार्यतः फर्म का विघटन होगा। धारा 41 में दो ग्राउंड है, उसकी चर्चा करेंगे। धारा 42 कुछ आकस्मिक ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके कारण फर्म का विघटन हो जाना, वो है धारा 41। 41 में हम ऐसी घटनाएं देखेंगे कौन कौन सी जिनसे फर्म विघटित हो जाएगी, उसमें दो है। पहला धारा 40 में था करार द्वारा, 41 कहता है अनिवार्यतः विघटन, 42 कहता है कि कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घट जाए। धारा 42 में चार ग्राउंड हैं, चार ऐसी चीजें हैं जिनके कारण वो फर्म विघटित हो जाएगी 42 में। धारा 43 की चर्चा में से पहले कर चुके हैं, जब हम इच्छाधीन भागीदारी की बात कर रहे थे, इच्छाधीन भागीदारी में हमने तीन सेक्शन को इकट्ठा किया था, धारा 7 जो कि परिभाषा देती है, और धारा 32 एक सी, और साथ ही साथ हमने धारा 43 की बात की थी कि इच्छाधीन भागीदारी में जो विघटन होगा वो भागीदार नोटिस देगा, लिखित में नोटिस देगा, लिखकर अपने दूसरे भागीदारों को। तो 39 परिभाषा, 40 में एग्रीमेंट द्वारा, 41 में अनिवार्यता विघटन कुछ ऐसा, 42 में कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, 43 में, 43 में आपका जो है इच्छाधीन भागीदारी का विघटन है कैसे, नोटिस के द्वारा, सूचना के द्वारा, और अंतिम है धारा 44 जो है वो न्यायालय द्वारा विघटन की बात करता है। न्यायालय, आप कोई जब न्यायालय में केस फाइल करता है विघटन का, तभी न्यायालय उसको विघटित करेगी, किन किन परिस्थितियों के आधार पर उनकी हम बात करते हैं। अभी तो इतना आप समझें कि 39, 40, 41, 42, 43 और 44 सेक्शन 39 से लेकर 44 तक की वन लाइनर आपकी कीवर्ड जो है उनको